बोलिए लाडली लाल की। अब आप समझ गए आपको प्यार किससे करना है, बस दो ही बच्चे आप समझने के लिए, एक श्री कृष्ण और एक उनका जन्म, बस खोपड़ी लगाना नहीं इसके अलावा कहीं उनको, भाई एक तो देवता है वो एक देवी है। अरे देवी देवता सब माया के अंदर में घूम रहे हैं, ये देवी देवता के चक्कर में पड़ पड़ करके तो अनंत जन्म नष्ट हुए। हमारे देश में पहले तो शास्त्रों में लिखी हुई देवियों की पूजा होती थी और अब तो रोज रोज नई नई देवियां गढ़ ली जाती हैं, जैसे संतोषी माँ, इसके आगे और कोई देवी एक बना दी जाएंगी, प्रतापगढ़ी माँ, गढ़वाली माँ, कानपुरी माँ, हो गया वो भी एक देवी भी हो गई, कुछ भी शब्द जोड़ दो हो गई देवी। लेकिन कोई भी देवी हो देवा हो सब माया के अंदर में। तो प्रेमास्पद की सीट पर बैठने वाले दो, भगवान और उनका जन, क्योंकि इन दोनों के पास प्रेम है। मैं भगवान के पास है लेकिन वो भगवान ने दे दिया एक जीव को, उसको हम महापुरुष कहते हैं, भक्त कहते हैं, और मिलना है भक्त से ही प्रेम, भगवान से नहीं मिलना। लेकिन भक्त और भगवान की दो गवर्नमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि भगवान की भक्ति आपने किया इस समय और गुरु की भक्ति नहीं किया तो गुरु का मूड आप हो जाए, ऐसा नहीं। गुरु की भक्ति आपने किया भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान की भक्ति किया गुरु प्रसन्न होगा, वहां खपड़ तपड़ नहीं है दुनियादारी की तरह से, ऐसा मत बन ले। भगवान हजार जगह अपने श्री मुख से कहते हैं वेदों शास्त्रों में, मद भक्तस्य जे भक्ता ते मे भक्त समामता, जो मेरे भक्त के भक्त है उन्होंने तो मेरी हजार गुना भक्ति कर ली है, मैंने मान लिया और मैं उनके ऊपर वही कृपा करूंगा हजार गुना वाली। यानी मेरी भक्ति करने से मैं प्रसन्न न होऊंगा, मैं भक्त की भक्ति से प्रसन्न हो जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है भगवान के। इसलिए वहां कोई झगड़ा नहीं, लेकिन प्रेम दान होगा गुरु के द्वारा ही, ये एक नियम। श्री कृष्ण कृपा करेंगे तो प्रेम नहीं दे सकते क्या? देंगे क्यों नहीं? कैसे देंगे? डायरेक्ट नहीं देंगे, इनडायरेक्ट दिलवा देंगे। हम कहां ढूंढने जाए? अरे कोई जो तुमको ढूंढने के लिए, वो सब हिसाब बिठा देंगे, चिंता ना करो। उनके एजेंट लोग सब है विश्व में, एक हो दो हो चार हो जितने भी हो, कभी कभी दस बीस पचास सौ हो जाते हैं एजेंट। अगर जरूरत पड़ती है कि इस समय विश्व में बहुत गड़बड़ है इसलिए कई एजेंट भेज दो, कई भेज दिए जाते हैं। अब देखो ना, 5000 वर्ष पहले झुंड का झुंड आया था, सारा ब्रज यानी पेड़ वगैरह भी महापुरुष है और तो कौन के। लेकिन कोई न कोई महापुरुष सृष्टि में सदा रहते हैं, सृष्टि कभी खाली नहीं रह सकती महापुरुषों के बिना, अन्यथा सृष्टि समाप्त हो जाए। वही लोग धारण किए रहते हैं समस्त ब्रह्मांड को।